चलो एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पूछा है तो बता देता हूँ, बताऊँ चलेगा? सुनेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए क्या होता है कि दुनिया में शांति से लोग रहें, इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि कोई ज्यादा एम्बिशियस ना हो। आपकी एम्बिशियस होने की तमन्ना खत्म हो जाए, अगर आपकी ज्यादा चाहत खत्म हो जाए, तो आपको खाना मिल रहा है पेट भरने के लिए, कपड़े मिल रहे पहनने के लिए और रहने के लिए घर, जो मैंने कल तीन बेसिक जरूरतों की बात की थी, ये तीनों मिल के आपका पूरा हो गया। तो अब क्या है, दौड़ भाग ये वो सारी चीजें आपकी सबसाइड हो जाएंगी, ज्यादा शांति हो जाएगी। लेकिन इससे आपकी जिंदगी में, दुनिया में जो इवोल्यूशन होना है, जो ग्रोथ होनी है, जो डेवलपमेंट होना है, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, तो आप ज़ॉम्बी बन जाओगे। तो ये आउट ऑफ चॉइस किसी के लिए हो सकता है। देखो बुद्ध ने या महावीर ने अपना घर छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, तो उन्होंने राजपाट और वेल्थ और सक्सेस सारी चीजें देखी हुई थी। हमने अगर छोड़ी हुई है तो क्या हमने वो देखी है? हमने जानबूझ के छोड़ी है, कोई प्रोग्राम करके छुड़वा रहा है? मैंने कल एक चीज बोली थी, आउट ऑफ चॉइस और आउट ऑफ कंपल्शन। आप आउट ऑफ चॉइस छोड़ दो तो वो आपकी ग्रोथ है, लेकिन आप आउट ऑफ कंपल्शन छोड़ रहे हो तो वो गुलामी है, वो स्लेवरी है। तो ये स्लेवरी जो होती है, जैसे दुनिया में रूल बनाए जाते हैं, तो रूल इसलिए बनाए जाते हैं कि दुनिया में मैक्सिमम लोग विजडम से काम नहीं करते हैं। अगर उनको आप डरा के नहीं रखोगे, तुम गलत करोगे, तुम्हें जेल में डाल देंगे, तुम्हें ये सजा मिलेगी, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत सही करना शुरू कर देंगे। लेकिन एक्चुअली क्या है, विजडम की जरूरत है। लेकिन विजडम आएगा किसको? सबको नहीं आएगा। तो वो जो शांति और कहीं और मत सीखो या कुछ और मत करो, कुछ और मत पढ़ो, वो इसलिए करे, तुम कम से कम भाई तुम शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, ज्यादा भागोगे दौड़ोगे नहीं, ज्यादा सोचोगे नहीं, परमात्मा हमें सब दे देगा जो हमें चाहिए होगा, इस फीलिंग में रहोगे तो तुम ज्यादा डिस्टर्बेंसेस नहीं क्रिएट करोगे, तो दुनिया में थोड़ी शांति रहेगी। तो वो लॉजिक कॉन्सेप्ट ये काम करता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट कई बार इंसान को गुलाम बना देता है, स्लेव बना देता है। हाँ बिल्कुल, हाँ तो वो वाली चीज है भाई, हमें ग्रो करना पड़ेगा ना, हमें एफर्ट करना। देखो हो सकता है कि मेरी चाहत ना हो करने की, लेकिन वो आउट ऑफ चॉइस है। अगर भाई मैं शांति से जी रहा हूँ, मैं जिंदगी में ऐसे ही शांति से जीना चाहता हूँ, सुकून से जी लूँ, यही मेरी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव है। और एक है, मुझे ये सिखा दिया गया, नहीं नहीं कुछ करो मत, शांति से ही रहो। तो मैं करना तो चाहता हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल तो है, मैं कुछ ग्रो तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा प्रोग्रामिंग ऐसी कर दी जा रही है कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, या मुझे करना क्राइम लग रहा है कि मैंने ऐसा कर दिया तो गलत कर दिया, तो ये गड़बड़ है। तो इसमें हमें समझ में आ जाए, यही बड़ी बात है। दूसरे को तो हम तभी समझा सकते हैं जब वो समझना चाहे। एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का बता देता हूँ आपको, एक लेडी थी, मेरे पास टाइम था, मैंने कहा यार थोड़ा मेडिटेशन सुना बहुत है, सीख लेते हैं। मैंने कभी किया तो था नहीं जिंदगी में उस तरह से मेडिटेशन, मुझे पता हो। मैंने कहा सीख लेते हैं, तो मैं पहुंच गया सीखने के लिए। वो घर बार छोड़ के पड़ी हुई थी वहां पे, कई साल हो गए थे उनको, 25-30 साल करीब करीब, बहुत छोटी थी तब से आ गई थी। अब जब उन्होंने बताना शुरू किया, एक दिन मैंने सुना, दूसरे दिन सुना, फिर मैंने कहा ये तो ट्रैप में है। अब ये तीसरे दिन जाते जाते मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी ने पिंच करूं या ना करूं। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें बताई कि इस दुनिया में ऐसे होता है, ऐसे होता है, हमारे जाने के बाद ये होता है, वो होता है। रहा नहीं गया मेरे से, तो मैंने पूछ लिया ये आपकी नॉलेज है या आपका एक्सपीरियंस है। अनइजीनेस आ गई पूरी तरीके से एकदम, क्योंकि आज तक जो हम मानते थे, जो वो मानती थी, उनको वही सच लगता था, जानती थी नहीं। मैंने यही पूछ लिया कि आप जानते हो या मानते हो? नहीं नहीं नहीं, मतलब यही तो सच है, हमने पढ़ा है, उनका एक्सपीरियंस है, इनका। मैंने कहा आपका अब वो छटपटाहट बेचैनी दिख गई, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत गहरी ये चीज है। अब जब मुझे दिख गया, उनकी आंखों से रीड मुझे समझ आ गया कि इनको ये एहसास हो गया कि मैंने जिंदगी में 20-25 साल पहले ब्लंडर कर दिया, अपनी फैमिली छोड़ के एक दूसरे ट्रैक पे जाके गवा दी इतनी जिंदगी, यही सिखाते सिखाते जो मैंने एक्वायर कर लिया बिलीफ, वही बिलीफ मैं आगे ट्रांसफर कर रही हूँ, ठीक है। और बहुत टाइम निकल गया, तो
अब जिंदगी का वो दौर है, फिर मैंने चेक किया, मैंने कहा अब ज्यादा इनको अगर मैं ट्रिगर कर दूंगा तो क्या इनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वापस शुरू कर पाएंगे अपनी जिंदगी, और नहीं कर पाएंगे तो फिर भैया जो कर रही हैं वही करने दो, कम से कम जी तो रही हैं, ज्यादा डिस्टर्ब करके क्या करूंगा। तो उनको फिर मैंने कहा कि आप जो मुझे सिखा रहे हो आप प्लीज मुझे सिखाओ, अब मैं इफ एंड बट नहीं करूंगा, आप अपना वाला सिखाओ, मैं आया हूँ अच्छे से सीखने, सीख के फिर चला जाऊंगा। वो जो उनका कोर्स था वो पूरा हो गया, फिर मैं वापस आ गया। लेकिन इसी में एक दूसरे पर्सन को मैंने हेल्प किया था और वो उससे बाहर आ गई और वापस अपनी जिंदगी रीस्टार्ट कर ली, और बहुत बढ़िया वाली स्टार्ट कर ली। समझ आ रही है चीजें? तो समझना है, हम मान मान के बहुत कुछ बैठे हैं, ये सारे लोग जो आपके हैं ना रिजिड वाले, ये सब माने बैठे हैं, जानते नहीं कुछ भी, सिर्फ मानते हैं, जो बोल दिया गया वो मान लिया, और ये हमारे गुरु ने कहा, ये हमारे भगवान ने कहा, ये हमारी किताब में लिखा है, वो सब उसका सच है।